नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, आप सबका स्वागत है रिंकू यादव स्टोरी में। मैं एक बार फिर एक नई और सच्ची घटना के साथ आप सबके बीच हाजिर हूँ। यह घटना पश्चिम बंगाल की है और इस घटना इतना दर्दनाक था कि इस घटना की चर्चा आज भी बंगाल और कोलकाता में होती है। जिस शख्स ने इस घटना को अंजाम दिया था उसका उम्र मात्र 16.5 साल था और उस समय लोअर कोर्ट ने उसको फांसी की सज़ा सुनाई थी। इस घटना को मैं शुरू करूं इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो इस घटना की शुरुआत होती है पश्चिम बंगाल में, एक मेदिनीपुर जिला है, वहाँ पर एक डकैती होती है और डकैती में जो शामिल लोग थे उनको पुलिस ढूंढती है और उसी दौरान एक डकैत जो डकैती में शामिल था उसको पुलिस अरेस्ट करती है, उसको जेल लेकर जाती है और कोर्ट उसको सजा देती है और उसको जेल मेदिनीपुर जेल में बंद कर दिया जाता है। यह घटना थी फरवरी 2003 में उसको पकड़ा गया था। अब मई में जो अलीपुर जेल में जेलर थे उनका ट्रांसफ़र मेदिनीपुर जेल में होता है और एक रूटीन होती है, रूटीन चेकिंग के दौरान जो नया जेलर जाता है दूसरे जेल में वो हर कैदियों का फाइल पढ़ता है, हर कैदियों से मिलता है कौन किस जुर्म में अंदर है। इसी दौरान वो सब कैदियों का फाइल पढ़ते हैं और सबसे जा जाकर मिलते हैं। इसी दौरान वह जाकर उस डकैत से भी मिलते हैं और उसकी फाइल पढ़ते हैं तो उस फाइल में उसका नाम लिखा था शेख राजू और जब उसका फोटो देखते हैं फाइल में तो वह देख करके चौंक जाते हैं। वह तुरंत उसके बैरक में जाते हैं और उसे पूछताछ करते हैं, उससे उसका नाम पूछते हैं। वह शेख राजू नाम बताता है, उनको शंका होता है, कुछ शक होता है। वह अपने अधिकारियों से जो अलीपुर के जेल में अधिकारी हैं उनसे संपर्क करते हैं, एक फाइल मंगाते हैं, उस फाइल को खोलते हैं और उस फाइल को भी जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि जो ये शेख राजू है और डकैती के केस में पकड़ाया है, इसको जेल हुआ है, वह असल में शेख राजू है ही नहीं, उसका नाम सजल बरुई है। और यह राजू शेख राजू बन के उस जेल में सजा काट रहा था। अब यह सजल बरुई कौन है, अब इस कहानी को समझने के लिए आपको 10 साल पीछे जाना पड़ेगा 1993 में। 1993 में एक बरुई दंपति रहता था, पश्चिम बंगाल का एक जिला है नॉर्थ 24 परगना, वहाँ पर एक शुभम अपार्टमेंट था। उस अपार्टमेंट के चौथे फ्लोर पे फ्लैट नंबर 4A में एक बरुई दंपति रहता था, उनका नाम था सुबल बरुई और उनकी वाइफ का नाम था मीनाती बरुई। अब मीनाती बरुई और सुबल बरुई ये लोग अलग होते हैं और जो ये सलभ बरुई है ये अपने माँ के पास चला जाता है और सुबल बरुई बाद में दूसरी शादी करते हैं जिससे उसकी नाम है नियुति बरुई। नियुति बरुई से वापस दोबारा शादी करते हैं और उसी फ्लैट में रह रहे थे। इनसे अब इस दूसरी वाइफ से इनको एक बच्चा होता है जिसका नाम काजल बरुई है। अब कुछ दिन के बाद जो इनकी पहली पत्नी थी उनसे इनका रिश्ता थोड़ा अच्छा हुआ और जो इनका बेटा था पहले पत्नी से जो, उसका नाम सजल था, सजल को ये अपने घर लाते हैं और इसको भी अपने दूसरे पत्नी से जो हुआ बेटा था उसके साथ ही एडमिशन कराते हैं। दोनों स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं। 10वीं में जब ये पहुँचता है सजल बरुई तो ये अपने दोस्तों से अपने पूरे घर की बात बताता है कि किस प्रकार उसके पापा उसके माँ को छोड़ दिए और दूसरी शादी करके रह रहे हैं और इसकी जो माँ है सौतेली ये इसको बहुत परेशान करती है, बहुत यातनाएं देती है और इसके जो पापा हैं ये भी इसको कम मानते जानते हैं, जो दूसरा इसका भाई है सौतेला उसको ज़्यादा मानते जानते हैं। अभी अपने दोस्तों में ये सब बात करता है और उसके दोस्त बोलते हैं कि इसके लिए तुम्हारे पापा को सज़ा मिलनी चाहिए,
और इसके भी माइंड में ये बात हमेशा चलती रहती है कि हमारे माँ के साथ गलत हुआ है, इसकी सजा हमारे पापा को मिलनी चाहिए। अब यह इसके 5 दोस्त और ये सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं। एक दिन सजल बुरुई शाम को घर आता है। डेट था 22 नवंबर 1993। 22 नवंबर को सजल शाम को अपने घर आता है। उसके थोड़े टाइम के बाद उसके 5 दोस्त आते हैं। इसकी माँ जो सौतेली माँ थी वो टीवी देख रही होती है फ्लैट नंबर 41 में। उसको ये सब मिल करके चेयर पर बांधते हैं, उसका मुंह बांधते हैं, उसको पूरी तरीके से बांध के एक कमरा में ले जाकर बंद कर देते हैं। थोड़े टाइम के बाद इसका सौतेला भाई आता है काजल, उसको भी पकड़ते हैं और उसको भी एक चेयर में बैठा करके अच्छी तरीके से बांध कर उसको भी एक अलग कमरे में ले जाकर बंद कर देते हैं। अब अपने पिता का ये वेट कर रहा था। इसके पिता आते हैं रात को 11:30 बजे। उनको नहीं पता घर में क्या हो रहा है। बेल बजाते हैं, डोर खोलता है सजल, अंदर लेके उनको भी पकड़ के सब दोस्त मिल के एक चेयर पर अलग से उनको भी बांधते हैं और उनको भी एक अलग कमरा में जाकर बंद कर देते हैं। अब तीनों को 3 कमरा में बंद कर दिए थे चेयर पर बांध बांध कर। और उसके बाद घर का जितना भी कीमती सामान था, पैसा था, गहना था, जो भी और भी कीमती सामान था, पूरा समेटते हैं और एक दोस्त लेकर निकल जाता है वहाँ से। अब यह सब मिल करके पहले अपने माँ को जाता है, गला घोट कर मारता है, वह मर जाती हैं। उसके बाद अपने भाई के पास जाता है जो सौतेला था, उसको भी गला घोट के मारने की कोशिश करता है लेकिन वह नहीं मरता है। तब ये लोग पूरा हथियार छुरा चाकू लेकर आए थे, चाकू से उसको पूरा बुरी तरीके से मारते हैं चाकू से। जब वह मर जाता है तब उस रूम से निकल कर दूसरे रूम में जाते हैं जहाँ पर अपने पिता को बांधा था। अब उनको भी चाकू से मार के बुरी तरीके से जख्मी कर देता है, वो भी मर जाते हैं। अब जब तीनों जन की मौत हो जाती है तो पूरा जितना भी ब्लड था चाकू पर और भी जो हथियार लेकर गए थे वो पर लगा था, पूरा आराम से लोग बैठ करके घर में पूरा साफ करते हैं ब्लड को। पूरा साफ करने के बाद डाइनिंग टेबल पर पूरे हथियार को सजा कर रखते हैं जो भी था उनके पास। और इसी दौरान रात में उन लोग को भूख लगती है, फ्रिज में से जो भी बिस्किट था और भी खाने का सामान था सब निकालते हैं, बैठ के आराम से सब लोग खाते हैं। उधर लाश तीनों पड़ी है घर में। जब खा पी लेते हैं तो उसके जो 4 दोस्त बचे थे वह चारों मिल करके इस सजल को भी एक चेयर पर बैठाते हैं और ठीक उसी तरह बांधते हैं जैसे उन तीनों को बांधे थे। बांध करके वह तीनों चारों निकल जाते हैं वहाँ से। और जो खाए थे सामान फ्रिज से निकाल करके उसका उस डाइनिंग टेबल पर कुछ पैसा भी रख कर चले गए थे। अब सजल उसी रूम में पूरी रात गुजारता है। सुबह होती है, दोपहर को वह चिल्लाता है। तब पड़ोसी आते हैं और पड़ोसी आते हैं तो देखते हैं कि 3-3 घर में लाश पड़ी है और इसको ये भी चेयर पर बंधा है। वह लोग तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है। पुलिस भी देख कर एक नज़र में घबरा जाती है, 3-3 लाश घर में, एक लड़का चेयर पर बैठा है वो भी बंधे हुए हालात में। इससे पूछताछ होती है, यह बोलता है कि रात में मैं और माँ पूरे फैमिली के लोग बैठे थे, 6 से 7 लोग आते हैं, उन लोग के पास बंदूक थी चाकू था, लेकर घर में आते हैं, पूरा लूटपाट करते हैं, जो भी घर का कीमती सामान है, पैसा है, गहना है, सब लूटते हैं और सबको घर में मारते हैं, हमको भी मारते हैं, इसको भी हल्का फुल्का उसके दोस्त मार कर पीट कर गए थे कि ताकि ये लगे कि ये इसको भी मारा और पीटा गया है। और सबको मारते हैं, माँ को भी मार देते हैं, भाई को भी मार देते हैं, पापा को भी मार देते हैं, हमको भी मारते हैं, किसी प्रकार से मैं बच जाता हूँ और वो लोग चले जाते हैं। लेकिन पुलिस को एक नज़र में देख करके शंका हो गया था सजल के ऊपर ही कि यही दोषी है। और उधर उसके दोस्त अगले दिन आराम से नॉर्मल स्कूल जाते हैं, क्लास अटेंड करते हैं। अब पुलिस इस केस के छानबीन में लग जाती है, चूँकि 3-3 मौत हुई थी एक ही घर में, एक ही अपार्टमेंट में, ये पूरे कोलकाता में, पूरे पश्चिम बंगाल में एक चर्चा का विषय बन गया था। पुलिस इस केस को जल्द से जल्द मतलब खोजबीन करके इसको हल करने के फिराक में थी। पुलिस का सब नज़रिया आकर के केवल सजल पर रुक जाता था। एक दिन 2-3 दिन जांच के बाद एक दिन पुलिस सजल को ही उठाती और इसे कड़ाई से पूछताछ करती और यह सब बात
बक देता है पुलिस के सामने। ये बोलता है कि हाँ हम ही ने मारा है और मैंने अपने माँ का बदला लेने के लिए इनको मारा है, क्योंकि हमारे माँ को इन्होंने छोड़कर दूसरी शादी की, उससे एक लड़का हुआ, ये हमारे माँ को नहीं मानते थे, हमारी माँ को छोड़ दिए थे, हमको भी लाकर पढ़ा रहे थे, लेकिन जितनी मान सम्मान दुलार जितना उसको देते थे सौतेले भाई को उतना हमको नहीं मिलता था, और मेरी जो सौतेली माँ थी वो भी हमको बहुत यातनाएं देती थी, बहुत परेशान करती थी, इसीलिए मैंने इनको मारा है। और इसी के बयान के आधार पर उन पांच दोस्तों को भी पुलिस अरेस्ट करती है। उन लोगों के भी अंदर कोई पछतावा नहीं रहता है, उन लोग भी बोलते हैं कि हमारे दोस्त के साथ ऐसा हो रहा था, हम लोगों ने उसी को ठीक किया है। अब पुलिस इनको लोअर कोर्ट में पेश करती है, लोअर कोर्ट सजल बरुई को फांसी की सजा देती है। अब इसको अलीपुर जेल भेज दिया जाता है। अलीपुर जेल में ये बंद रहता है। एक आध साल के बाद ये बोलता है कि हमारी किडनी में दर्द है। अब इसको पुलिस वहाँ से कोलकाता नेशनल कॉलेज में भर्ती कराती है। अब इस दौरान वो हॉस्पिटल में भर्ती रहता है और उसके जो है कि साथ पुलिस वाले भी रहते हैं। अब ये रोज़ शाम को बियर मंगाता अपने दोस्तों से, पुलिस वालों को भी पटा लिया था, रोज़ पुलिस वालों को भी पिलाता था, खुद भी पीता था, सो जाता था। अब ये इसके चाल एक चाल का हिस्सा था, बियर मंगाना और पीना, पुलिस वालों को भी पिलाना। ऐसे ये दो तीन दिन लगातार किया, बियर मंगाता, खुद भी पीता, जो पुलिस वाले उसके आसपास रहते थे उन लोगों को भी पिलाता और सो जाता। जिस दिन उसको जेल से भागना था उस दिन भी बियर मंगाया और उस बियर में एक नींद की गोली डाल दी और वो बियर पुलिस वालों को पिला दिया और खुद भी पिया, सो गया। रात में उठा, क्योंकि वो अपने बियर में नींद की गोली नहीं मिलाया था। रात को उठता है और वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है, भग जाता है और भाग के मुंबई पहुँचता है। मुंबई पहुँच के वो अपना नाम बदलता है सबसे पहले और अपना नाम रखता है शेख राजू। वहाँ पर पहुँचने के बाद एक लड़की से इसकी दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार में बदलती है, उसे शादी करता है। शादी करके दो साल तो मुंबई रहता है। दो साल के बाद वह वापस बंगाल आता है और आसनसोल अपने रिश्तेदारों के यहाँ रुकता है। वहीं पर अपनी बीबी को छोड़कर फिर एक ग्रुप ज्वाइन करता है जो चोरी डकैती छिनैती करता था। अब इसी दौरान ही ग्रुप ने डकैती की थी और उसी डकैती के जुर्म में पुलिस इसको अरेस्ट की थी, जो कि उस जेलर ने पहचान लिया था। तो जेलर किस वजह से चौंका था इसको देख करके कि ये जो शेख राजू बनके डकैती के केस में अरेस्ट होके सजा काट रहा है, असल में ये तो एक भगोड़ा कैदी है जो सन 1993 में अपने माँ बाप भाई के कत्ल में इसको सजा हुई थी मौत की, उस दौरान यह हॉस्पिटल से भागा हुआ कैदी है। और यह पकड़ाता है 2003 में, तो इसको फिर वापस से अलीपुर जेल भेजा जाता है। वहाँ से हाई कोर्ट में फिर चैलेंज करता है अपने सजा को और हाई कोर्ट इसके जो मौत की सजा थी इसको बदल के उम्र कैद में कर देती है। क्योंकि 2000 से पहले जो बालिग होने का नियम था वह 16 साल था, तो ये 16.5 साल था 1993 में, इसके लिए इसको फांसी की सजा लोअर कोर्ट ने सुनाई थी। 2000 के बाद जो हो गया है अभी बदल के नियम बदल गया है, वो 18 साल हो गया है, तो इसलिए उसको 16.5 साल की उम्र में ही लोअर कोर्ट ने फांसी सुनाई थी। क्योंकि इस समय के जो नियम देखेंगे तो इस समय के नियम के हिसाब से इसको फांसी उस समय नहीं होती क्योंकि ये नाबालिग होता, लेकिन तो उस टाइम वह बालिग था क्योंकि 16 साल की उम्र थी, तो इसलिए उसको लोअर कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। और उस दौरान जब ये 2003 में वापस से पकड़ाया तो ये हाई कोर्ट में जाके अपील किया और हाई कोर्ट ने इसकी सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दी और उस समय उम्र कैद 14 साल की होती थी, तो ये 2010 में फिर से बरी हो गया उस केस से। और कोर्ट ने इसको ये मतलब बोलकर छोड़ा कि अगर अच्छे नागरिक बन जाओगे तो तुमको पूरी तरीके से बरी कर दिया जाएगा और ये वादा करके आता है कि हम जा रहे हैं बाहर और अच्छा नागरिक बनेंगे। लेकिन 2011 में फिर एक डकैती के केस में ये पकड़ाता है और फिर अंदर जाता है, फिर सजा काटता है, फिर निकलता है। तो ऐसी ये घटना पूरे बंगाल में चर्चा का विषय बना हुआ था कि एक 16 साल का लड़का इतनी बुरी तरीके से कत्ल करता है, वो भी अपने माँ का, अपने भाई का, अपने बाप का,
और पुलिस उससे उस दौरान पूछती है कि तुम लोगों ने वहाँ पर डाइनिंग टेबल पर हथियार के साथ कुछ पैसे क्यों रखे थे। तो ये बोला था कि मैं एक मूवी देखा था जिसमें गुंडे लोग आते हैं, पूरे फैमिली को मारते हैं, मारने के बाद कुछ उन लोग को भूख लगता है तो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद उस खाने का पैसा वो टेबल पर रखकर चले जाते हैं। उसी से इंस्पायर हुए थे और उस लिए इसीलिए हम लोगों ने भी पैसा वहाँ पर रखा था। जितना सामान हम लोगों ने खाया था फ्रिज से निकाल कर उसका वह पैसा हम लोगों ने रखा था। तो ऐसी ही सच्ची घटना सुनने के लिए हमारे चैनल रिंकू यादव स्टोरी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।